अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज हमाद। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट होने जा रहा है जावास्क्रिप्ट में, जिसमें हम लोग ये कुछ चीजें देखेंगे जैसे क्लास, ठीक है, क्या होती है, कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर यूज करते हैं, वो क्यों यूज करते हैं, ठीक है, मैथड्स एंड ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, छोटी छोटी चीजें। आज तो कोई मुश्किल लेक्चर नहीं है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने कोड पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप, अगर मैं क्लास की बात करूँ, क्लास क्या चीज है कि जैसे आप लोगों ने देखे, हमेशा याद रखिएगा जावास्क्रिप्ट में, या जब आप लोग रिएक्ट पढ़ोगे ना आगे, तो उसमें आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक आपको चीज मिलेगी क्लास कंपोनेंट, एक आपको मिलेंगे फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, अब ये एक तरह के दो रास्ते हैं आपके पास, तो आप उन दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते में आप मूव ऑन कर सकते हैं, लाइक एक रास्ते में जाएंगे। ठीक है, अब होता क्या था कि पहले क्लास कंपोनेंट बहुत ज्यादा यूज होता था, ठीक है, लाइक अभी आफ्टर कह सकते हैं हम, 2016-17 इसके बाद ये फंक्शनल कंपोनेंट आया। तो अब इसमें होता क्या है, कुछ इसमें चीजें डिफरेंट, जैसे अब जब आप क्लास कंपोनेंट को यूज करोगे ना, ठीक है, तो इसमें ये है कि आप लोग उसको फंक्शनल की तरह नहीं ट्रीट करते, लाइक उस पे क्या आता है, उसके अंदर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर्स आते हैं, क्लास के अंदर मेथड्स आते हैं जिसको हम फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है, क्लास के अंदर और डिफरेंट चीजें आती हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग जाके नीचे कॉल करते हैं, ठीक है। अब कॉलिंग क्या होता है, इसमें हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉलिंग के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ था कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखें ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अभी हम बनाएंगे देखेंगे। अब जब हम फंक्शनल कंपोनेंट पे काम करते हैं, तब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, तब हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाया, ठीक है, उस फंक्शन को रिटर्न के अंदर कोड लिखा या कुछ भी, या उस फंक्शन को डायरेक्ट हम नीचे कॉल करते हैं, बात और कोई काम नहीं होता। बट क्लास का ये चक्कर नहीं होता कि हम क्लास को उठा के डायरेक्ट कॉल करते, नहीं, क्लास हमेशा क्या होता है, क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी होगा, अगर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्टर में अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको वैल्यूज पास करेंगे और उसमें से हम कोई ना कोई वैल्यू गढ़ कर सकते हैं, फिर हम उस जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया होगा वेरिएबल, उसको हम एज उठा के यूज कर सकते हैं, मेथड्स। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स को ज्यादा बेस्ट क्लियर होगा जिन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी, बिल्कुल डिटो कॉपी हुई है सारा कुछ। जिस बंदे ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है, वो ये एकदम बस समझेंगे, वो एक दफा देखेगा उसको समझ आ जाएगी एक दफा देखने से। लाइक जिन्होंने नहीं भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी, ठीक है, वो भी ये देखेंगे, उनको आई होपफुली उनको समझ आ जाएगा, इतना इशू नहीं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं, फिर अपने कोड पे जाते हैं। अच्छा, हम वही काम करेंगे सबसे पहले, ठीक है, ये किया, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना स्क्रिप्ट कोड लिखूंगा, ठीक हो गया, इसके अंदर मैं अपना कोड स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा क्लास बनाते कैसे, ठीक है, क्रिएट अ क्लास, ठीक है, हम सबसे पहले क्लास बनाना सीखते हैं। क्लास कैसे बनती है, आपने सबसे पहले क्लास का नाम देना चाहिए, क्लास का, ये देखिए क्लास का कीवर्ड आ गया, आगे नाम, जैसे हम फंक्शन ही बनाते होते हैं, फंक्शन पहले फंक्शन का कीवर्ड आता है, फिर फंक्शन का नाम कोई भी अपनी मर्जी का, है ना, इस तरह क्लास का भी यही है, क्लास का कीवर्ड आ गया, ठीक है, ये क्लास जो है बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, अब यहाँ पे जो नाम देंगे वो हम अपनी मर्जी का देते हैं, मैं कुछ भी दे देता हूँ, हम लोग लाइक कर लेते हैं, जैसे एज्यूम करूं पर्सन इन्फो, पर्सन इन्फो का मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब क्लास में क्या होता है, क्लास में ये ब्रैकेट्स नहीं आती होती, याद रखिएगा, ये हमेशा ब्रैकेट्स, मैंने आपको हमेशा बताया होगा कि जब ये गोल ब्रैकेट हम लगाते हैं ना, ये किसको वो करता है, लाइक ये फंक्शन को उठाता है, कि लाइक इससे हमें हर एक बंदे को पता लग जाता है कि दिस इज अ फंक्शन, है ना, बट यहाँ पे अभी हमने ये नहीं लगाना, ताकि हमें एटलीस्ट पता चल रहा अब ये क्लास बन गया, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लगा दूंगा वो फंक्शन आके, तो वो आपको एरर देगा, कभी भी क्लास में वो गोल ब्रैकेट्स आपके पास नहीं होती। ठीक हो गया, यहां तक आई होप आपको कोई इश्यू नहीं होगा। अच्छा, अब सेकंड चीज अगर मैं आपको बताऊं, आप लोग कहोगे चलो क्लास तो हमने बना ली, अब हम क्लास को एक्सेस कैसे करेंगे, हम फंक्शन में तो एक्सेस करते थे ना, फंक्शन हमने बनाया, फंक्शन को नीचे कॉल करते थे। अच्छा, क्लास को पता कैसे किया जाता है, आप लोग जब क्लास कॉल करते हो, आप नीचे जाते हो कहीं पे भी, जैसे फंक्शन को करते होते थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कॉलिंग नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, आप कोई भी वेरिएबल ले लेते हो अपनी मर्जी का, मैं कॉन्स्ट ले लेता हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है, अपनी मर्जी का, मैं कर देता हूँ P1, मतलब पर्सन वन इज इक्वल टू, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है, और आगे ऊपर जो पर्सन इन्फो लिखा हो, मैं यहाँ पे लिखूंगा पर्सन इन्फो, ठीक है, और इस तरह ये कॉल होता
ठीक हो गया, यहां तक कोई इश्यू आप लोगों को होपफुली नहीं। अब ये क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, ये लाजमी होगा डायरेक्ट। अब आप डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते यहाँ पे, अगर मैं लिखू ना ये कॉपी की यहाँ पे पेस्ट करूं, डायरेक्ट आपने ये नहीं लिखना ना। क्लास में हमेशा क्या होता है कि आप इस तरह इसको, अब आप लोग क्या करोगे इसके अंदर, जैसे मैंने कोड किया या कंस्ट्रक्टर में भी वो हम बनाते हैं, तो आप लोग क्या करते हो फिर यहाँ पे लिखते हो नीचे P1 डॉट, जो मैं डॉट करूंगा इस क्लास के अंदर जो जो चीजें होंगी वो डायरेक्ट मुझे यहाँ पे क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह कॉलिंग होती है क्लास में, ओके हो गया। तो भी हम लोग देखते हैं वो कॉलिंग कैसे होगी, ठीक है, ओके। अच्छा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हम लोग कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं यहाँ पे, ये था कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, अच्छा कंस्ट्रक्टर क्या होता क्या है, याद रखिएगा कंस्ट्रक्टर जो होता है ना वो क्लास को रिप्रेजेंट करता होता है, अपनी क्लास, ठीक है। अगर आप लोग मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी है जिसने, तो वहां पे क्या होता है क्लास के नेम से कंस्ट्रक्टर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, आप लोगों ने देना कंस्ट्रक्टर सिंपल, ठीक है, ब्रैकेट लगा देनी है और क्लोज। अच्छा अब फंक्शन आपने पढ़े है ना, मैंने आपको फंक्शन में एक चीज बताई थी, फंक्शन विद पैरामीटर एंड फंक्शन विदाउट पैरामीटर, दो चीजें होती है। इस तरह कंस्ट्रक्टर भी इसी तरह ही होता है, कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर, ठीक हो गया। अच्छा अभी फिलहाल विदाउट करके मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे करता हूँ दिस इज माई कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और यहाँ पे ये कर लेते हैं। अच्छा अब क्या होगा कि सेव करते हैं इसको, सेव करके जरा रन करते हैं, देखते हैं कुछ हमारे पास होता है नहीं होता। तो जरा रन किया मैंने, ये देखें दिस इज माय कंस्ट्रक्टर। अब आप लोग कहोगे ये आया कैसे, देखें याद रखिएगा, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ कुछ भी नहीं आएगा। देखें कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, वो जब आप लोग ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, याद रखिएगा जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है हमेशा। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जाए ना, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि क्लास के नेम से, मतलब जो क्लास का नेम है उससे कंस्ट्रक्टर बनता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कीवर्ड से कंस्ट्रक्टर बनता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें और इसमें। अब यहाँ पे देखें बात वही कर रहे हैं, तरह की जो ही मैं इसको कॉल करूंगा तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बाय डिफॉल्ट। अब मुझे खुद बताएं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बोली थी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा P1 डॉट, ठीक है, अब मैं P1 डॉट करके कॉल करूंगा तब होगा, है ना, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट हो गया। ये समझ आइए, आपने एक चीज याद रखनी है, कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल होगा, जब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब फॉल हो जाएगा, ओके हो गया। अब मैं थोड़ी सी एक और मजे की चीज बताता हूँ आपको, मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ एड सम, ये जैसे ऊपर बना हुआ कंस्ट्रक्टर ये भी बना लिया मैंने, ठीक है, इसके अंदर भी मैं कुछ यही कॉपी करके लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कॉपी पेस्ट, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दिस इज एट सम मेथड। मुझे आप बताएं, अब आप लोग कहेंगे कि ये हुआ क्या है, देखें कंस्ट्रक्टर पहले किया तब कंस्ट्रक्टर और है, जब मैंने ये फंक्शन चला कि इसमें और उसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है, ये कंस्ट्रक्टर है ये एट सम है, लेकिन ये नहीं रन हुआ ये रन हो गया। असल समझाने जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझिएगा, कंस्ट्रक्टर एक ऐसी चीज है जो कि क्लास को रिप्रेजेंट करती है, जो ऑब्जेक्ट बनने पे कॉल हो, कंस्ट्रक्ट हमेशा कॉल हो, कंस्ट्रक्ट जो मर्जी आप लिखेंगे ना, ठीक है, वो आपको करेगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अलावा जो चीज भी जो मर्जी आप मेथड बनाएंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे, ठीक है, प्राइवेट वो मेथड या प्राइवेट वेरिएबल्स बना के कुछ भी करेंगे, जब तक आप उसको P1 डॉट कॉल करके नहीं करेंगे तो नहीं हो, ठीक है। मैं यहाँ पे अब करता हूँ, अब देखिएगा मैंने आपको क्या बोला था, जब कोई नया फंक्शन बनाएंगे हम क्या करेंगे P1, अब P1 ये ऑब्जेक्ट मेरा बना हुआ है, मैं इसको अब यूज कर सकता हूँ, करूंगा P1 डॉट, देखिएगा वो देखिए एड सम नजर आया आप लोग, एड सम एक पूरे का पूरा मुझे फंक्शन मिल गया, ये किया ये किया ये किया, बस कुछ भी नहीं करना, सेव किया, अब देखिए मुझे ये भी शो होगा यहाँ पे, इसको कॉमा करके यहाँ पे हम लोग करते हैं, देखते हैं जरा क्या होता है, ये देखें
दिस इज एड सम फंक्शन। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, है ना, डिफरेंस पता लगे आप लोगों को। सिर्फ कंस्ट्रक्टर को आपने माइंड में रखना है, कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल होगा, ठीक है, हमेशा। कंस्ट्रक्टर का बेनिफिट यही है कि बस आपको P1 डॉट करने की जरूरत ही नहीं, जो ही आप ऑब्जेक्ट एक दफा बनाओगे, दो दफा बनाओगे, ये कंस्ट्रक्टर लाजमी कॉल, बस इतना आपने याद। ओके हो गया, गुड हो गया। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मैंने कंस्ट्रक्टर याद रखी है, कंस्ट्रक्टर एक ही बनता है, अभी कंस्ट्रक्टर दो नहीं बनेंगे, कंस्ट्रक्टर एक ही बनता है, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट ढेर सारे बना सकते हो आप, लेकिन नेम सेम नहीं होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे मैंने P1 बनाया, तो मैं P2 का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, P3, P4, P5, P6, P7, P10 तक बना सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कॉपी करके बनाता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट का नाम सेम है, तो किया एरर चला गया। और ये चलेगा भी ठीक, देखिएगा मुझे ये कंस्ट्रक्टर दो बार प्रिंट करवाएगा, देखना यहाँ पे एक और बार भी प्रिंट करवाएगा, देखें दिस इज माई कंस्ट्रक्टर, ये P1 का है, ये P2 का है। हालांकि यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर कितनी बार लिखा हुआ, एक बार लिखा हुआ है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं इसके, कंस्ट्रक्टर के और ऑब्जेक्ट कॉलिंग के। देखें अब आप 10 दफा अपना बनाएंगे ना, तो ये 10 दफा कॉल होगा, ठीक है। ओके अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि एक तो हम इस तरह करते हैं, बल्कि एक ही हम बना रहे हैं, समझ तो आ गया। अच्छा हम क्या करते हैं, अब इसको हम पैरामीटराइज फंक्शन बना, ठीक है। अभी तो हमने ये, हमने कौन सा देखा था, पैरामीटर लेस फंक्शन, ठीक है। अब हम बनाएंगे पैरामीटराइज फंक्शन। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं पास करूँ, एक स्टूडेंट पर्सन है, उसकी आईडी होती है, उसका नेम होता है, उसकी एज होती है, तीन चीजें पास कर ली मैंने। ओके हो गया, यहाँ तक कोई इशू, ठीक है। ये इसी तरह लिखा रहने दीजिए, इसको मिटा देते हैं हम लोग स्टार्ट से, ठीक है। अच्छा एक चीज यूज होती है दिस का कीवर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, दिस का कीवर्ड क्या करता, मैं लिखूंगा दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी। अब आप लोग कहोगे ये क्या की है ना, थोड़ा सा आपको शायद प्रॉब्लम सी हुआ क्या है। याद रखिएगा दिस का कीवर्ड क्या करता है कि ये, अब देखें एक ये आई डी है, मैंने क्या किया, मैं यहाँ से आई डी भेजूंगा, इसको मिलेगी, वो क्या करेगी इसी आई डी को, जब हम लोग हमारे पास दो नेम सेम होते हैं ना, ठीक है, तब हम दिस का कीवर्ड यूज करते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास आई डी है, मैं कुछ और नहीं यूज करना चाह रहा, मैं यहाँ पे आईडी यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर आप क्या करोगे दिस डॉट कीवर्ड। अब आप कहोगे नहीं, हम अगर हम दिस ना यूज करें फिर हम क्या यूज करें, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, फिर आपको लंबा काम करना पड़ेगा, आप करोगे लेट, कोई नया वेरिएबल बनाओगे पहले, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ PID इज इक्वल टू आई, ठीक है, या आप ये काम कर सकते हो या आप ये काम कर सकते हो, दोनों का काम एक ही, बात समझ आइए, ठीक है। ये क्या करता है, दिस डॉट आईडी कहता है कि यार मैं वो आईडी हूँ जो सेम होंगी, और ये आईडी वो है जो ये ऊपर से आ रही है, ठीक है, बात समझ आइए। ये एक बड़े मजे की चीज है, ये मतलब आपको न्यू वैल्यू सेव करके देगी, और ये वो वैल्यू जो यहाँ से यहाँ आएगी, और ये आईडी आपको मिल रही है, तो आप ये यूज कर लें, ये यूज कर लें, बात एक, ठीक है। तो ये मतलब कि इसलिए हम लोग दिस का कीवर्ड यूज, ताकि इन दोनों में उसको फर्क पता लग सके, ठीक है। मतलब अब रख मैं ये लिखूंगा आईडी इज इक्वल टू आईडी, अब दो दोनों आईडीज हैं, शायद वो आगे जाके प्रॉब्लम दे, इसको समझना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं दिस डॉट कीवर्ड। ओके हो गया, ठीक है, आप लोग ये नीचे वाला भी यूज कर सकते हो। मैं इसी तरह क्या करूंगा दिस डॉट, यहाँ पे क्या करूंगा नेम, तो इज इक्वल टू क्या करूंगा नेम, सिंपल जो नेम ऊपर से आ रहा है वो इसमें सेव हो जाएगा, फिर दिस डॉट एज, और एज किस में सेव हो जाएगी, एज में, सिंपल। ओके हो गया, यहां तक कोई इश्यू नो। अच्छा अब जब याद रखिएगा, जब कंस्ट्रक्टर आप बनाएंगे पैरामीटराइज, ये क्वेश्चन यारो सॉरी, ये कंस्ट्रक्टर कौन सा है पैरामीटराइज, जब आप कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज बनाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी तो कुछ भेजना होगा, है ना। जब यहाँ पे कुछ नहीं भेजेंगे, इसको हम सेव करके देखते हैं जरा हमारे पास क्या आउटपुट आता है, कुछ भी नहीं आउटपुट आ रही, क्यों, वो कह रहे हैं कि आपने अगर, तो हम कंसोल पे जाएं शायद हमें कोई वो एरर बता दे, देख लेते हैं, जब एरर दे देता है, कुछ भी नहीं दिया उसने, ठीक है, एरर नहीं दिया, खैर कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे बताएं इसके अंदर इतना काम हमने किया हुआ है, बट कुछ ऐसा हमें कुछ मिला नहीं, तो जाहिर सी बात है जब आप यहाँ से इसको वैल्यूज दोगे तब तो कुछ होगा। यहाँ से सबसे पहले आईडी देते हैं, आईडी किस में होती है, जब आप देखिए 1 2, मैं कहता हूँ कि 101 आईडी है बंदे की, उसका नेम है हमाद, ठीक है, और उसकी एज है 23, सिंपल।
ओके ओके, अब ये तीनों चीजें उसको मिल जाएंगी, सही है। अच्छा। अब अगर मुझे प्रिंट करवाना हो तो मैं कैसे करूंगा प्रिंट? सिंपल, यहां से हम अगर सेव करते हैं और कुछ रन करते हैं, ठीक है, अभी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, अब हम इसको करवाएंगे प्रिंट, ठीक हो गया। इस फंक्शन का तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया। फिलहाल इस फंक्शन की हम बात नहीं, हम सिर्फ कंस्ट्रक्टर की बात करें, ठीक है। मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको सिंपल कॉल कर दिया। अब मैं यहाँ पे करूंगा, उसे देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, पर्सन पी आर पर्सन आईडी इज ओके। और यहाँ पे मैं क्या, तब गौर से देखिए मैं क्या करूंगा, P1 डॉट, अब देखिए मेरे पास सारा कुछ आ रहा है, आप गौर से देखें कितना फायदा हो गया ना, मेरे पास सब कुछ आ रहा है, एज आईडी, मैं क्या करूँ आईडी यूज कर लूंगा, मुझे आईडी मिल जाएगी। मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट, ठीक है, पर्सन आईडी यहाँ पे करूंगा, पर्सन नेम यहाँ पे क्या करूंगा, पर्सन एज, P1 डॉट आईडी था पहले ना, फिर P1 डॉट नेम, देखिए आ गया मेरे पास, फिर P1 डॉट क्या करूंगा मैं, एज, तीनों चीजें आ गई, ठीक है। इसको जरा मैं यहाँ पे और प्रॉपर उसके साथ कर लेता हूँ, BR के साथ, ठीक है, ताकि अच्छा, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी, इधर पेस्ट करते हैं, इधर भी पेस्ट करते हैं। अब जरा इसको रन करके देखते हैं क्या आता है मेरे पास। तो ये देखें, प्रॉपर एक अच्छे उसके साथ, पर्सन आईडी इज 101, पर्सन नेम इज माज, एंड पर्सन एज इज 23, ठीक हो गया। ये तो एक बंदे की आ गया, आप चाहते हो नहीं, मुझे दो तीन बंदे और चाहिए, तो क्या करोगे, इसको सिंपल करोगे कॉपी, ठीक है, इसको करोगे पेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया पर्सन टू, ठीक है, और यहाँ पे इसको कहते हैं 102, और यहाँ पे करते हैं एली, और इसकी एज कर देते हैं 24, ठीक है। अच्छा, आप लोग क्या करोगे, इसी को कॉपी करोगे, कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे लूप का मैं नहीं बता रहा, वो आपको ना खुद ट्राई करना है अपने एंड पे, अगर मैं क्या, तो 50-60 बंदे हैं, जरा सी बात है लूप लगेगा वहां, ठीक है, यहाँ पे ये कर लेते हैं। और अब P1 की जगह आपने क्या करना, सिंपल P2, बस, और कुछ भी नहीं करना यहाँ पे भी, क्योंकि आप पर्सन टू की हम बात करें, यहाँ पे P2, यहाँ पे भी P2, सिंपल। और इसको आपने क्या करना है, यहाँ से इसको पीछे कर दें, ताकि सॉरी ये ओके, अच्छा, और यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट लगा लूंगा ताकि मुझे ना पता लगे कि यहाँ पे ये कर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस तरह लगा दूंगा ये, ताकि मुझे पता लगे कि भाई मेरा अब दूसरा बंदा जो है वो आ रहा है, ठीक है, ये हम लिखा कर ले, बस ठीक हो गया। और इसके आगे यहाँ पे हम BR लगा लेंगे, ये कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। अब हम लोग इधर ट्राई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे की मैंने, और यहाँ पे किया रन। अब देखें प्रॉपर इतने अच्छे तरीके से मुझे शो होगा, आप लूप लगाएंगे, सिर्फ लूप लगा के 10 बंदों को आपने प्रिंट करवाना है, एकदम सारे के सारे बंदे शो हो जाएंगे। ओके हो गया, समझ आ गया आप लोगों को, मेन चीज है इसमें क्या कंस्ट्रक्टर है, क्या उसके अलावा और क्या चीज मैंने आप लोगों को बताई है। ऑब्जेक्ट बनेगा, देखिए कंस्ट्रक्टर बनेगा, जैसे बात ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा आप कुछ भी प्रिंट शो नहीं करवा सकते, ऑब्जेक्ट जितने ढेर सारे बनेंगे उसको अलग अलग आप प्रिंट करवाते रहे, ठीक हो गया। ये कंस्ट्रक्टर का बस इतना काम है, या कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर होगा, या कंस्ट्रक्टर पैरामीटर वाला होगा, सिंपल, वो दो चीजें होती है, ओके। अच्छा, अब फंक्शन में देखते हैं, फंक्शन को, फंक्शन तो मैंने आपको बताया, फंक्शन के अंदर भी आप डिफरेंट काम कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप एक इसको, इस क्लास को उठा के इधर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन इन्फो, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट में यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन डिटेल्स, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ये, और यहाँ पे मैं अगर पास कर दूं पर्सन इन्फो, फिर क्या देगा, हम लोग ये भी देख लेते हैं। इसको हम लोग किस तरह करते हैं, कंसोल पे कर लें, इसको हम कंसोल पे ट्राई करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, चलें इसको हम ट्राई करते हैं, जरा तो रन करता हूँ, यहाँ पे मैंने रन किया, ये सारा सही चल रहा है, F12 से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वो भी शॉर्टकट है हमारे पास, तो हाँ, इसमें अभी फिलहाल कुछ भी नहीं आया,
इसको हम देख लेते हैं क्यों नहीं आया इसमें। इसको वैसे आई होप आना तो चाहिए था इसको, क्योंकि ओके 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 ठीक, सही हो गया सही हो गया। अच्छा इसका हम लोग देख लेते हैं जरा क्या। अच्छा बाकी इसको इसको हम अभी देखते हैं, क्योंकि मैंने दो तीन चीजें और भी करवानी है। ठीक है इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं कमेंट। ठीक है बाकी मैं अगर आपको फंक्शन कॉलिंग में कोई भी यहाँ पे आप वेरिएबल बना लें, लेट एक्स, जैसे मैं यहाँ पे एक कहता हूँ, इसको हम फिलहाल इसको छोड़ते हैं। ठीक है इसको मैं चेंज कराता हूँ। ठीक है अच्छा अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो वैल्यूज पास करते हैं, एक्स कोमा वाई। ठीक है ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ एड सम। इस तरह के मैं चार बनाता हूँ, कॉपी पेस्ट 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 सॉरी पेस्ट। एक हम करते हैं, ये हमारा एक होगा डिवाइड वाला। ठीक है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ सबसे। एक होगा जैसे एड सम, ठीक है एड सम हो गया। यहाँ पे हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम करते हैं मल्टीप्लाई, सॉरी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं डिवीजन। ठीक है अच्छा अब क्या होगा कि जो ही मैं यहाँ से यहाँ पे उसको कॉल करूँ, ऑब्जेक्ट तो बना हुआ मेरा, ठीक है ऑब्जेक्ट बना, डायरेक्ट कॉल करूंगा मैं यहाँ पे, क्या करता हूँ कि डॉक्यूमेंट और कुछ भी नहीं करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या आप कंसोल पे राइट करवा लें, डॉक्यूमेंट पे आपकी मर्जी, आपके पास यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंट चीजें होंगी। सम इज यहाँ पे ये, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हाँ सॉरी, यहाँ पे हम एक्स प्लस वाई सिंपल। ओके हो गया, इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, सॉरी और पेस्ट। ठीक है इसी तरह यहाँ पे भी पेस्ट, यहाँ पे भी पेस्ट, ठीक हो गया ओके हो गया। ठीक है अच्छा अब क्या होगा कि यहाँ पे सम है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या होगा मेरे पास मल्टीप्लाई, इसी तरह यहाँ पे क्या होगा डिवाइड। ठीक है कोई डिवाइड, यहाँ पे क्या करेंगे हम माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या करेंगे स्लैश। ओके अच्छा अब ये तो मैंने कर लिया, लेकिन इसका कब तक रन नहीं होगा जब तक मैं यहाँ पे कॉल नहीं करूंगा। पहले तो मैं इसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है फिर इसको यहाँ फंक्शन को मैं कॉल करूंगा। ठीक है अब मैं ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट बने, कोई एक ऑब्जेक्ट भी आप यूज करके कर सकते हो। ठीक है आप लोग यहाँ पे करोगे पी वन, जैसे मेरे पास पहला ऑब्जेक्ट है पी वन डॉट, ये देखिए मेरे पास वो सारे मेथड्स आ रहे हैं, करता हूँ एड सम फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है पी टू डॉट सब्ट्रैक्ट सेकंड फंक्शन मेरे पास कॉल हो गया। ठीक है सॉरी पी टू मैंने कर लिया, पी वन से आप सारे करें, पी वन से सारे करें, जरूरी नहीं है कि एक पी वन से एक पी टू से। पी वन डॉट मेरे पास क्या है तीसरा मल्टीप्लाई, ठीक है, और लास्ट मेरे पास क्या है पी वन डॉट डिवीजन। ठीक है ये अभी इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। ठीक है ये अब एक मजे का एरर आया है, अगर आप बोल से सम इज एन ए एन सब्ट्रैक्ट इज एन ए एन मल्टीप्लाई इज एन ए, इसका एन एन का मतलब क्या होता है, एन एन का मतलब होता है जो आपने वैल्यू दी वो खाली है ना, कुछ है ही नहीं इसमें, पड़ा ही नहीं है ना, कुछ गया है ना, हमें कुछ रिस्पॉन्स में मिला है, तो एन एन बेसिकली इसका ये मतलब होता है। ठीक है तो अगर आपको गौर से मैं आपको बताऊं, देखिए फंक्शन हमने कौन सा बनाया हुआ है, फंक्शन बना हुआ है पैरामीटराइज फंक्शन, और रन हम कौन सा कर रहे हैं पैरामीटर लेस फंक्शन, गलत तो है ना। जाहिर सी बात है जब यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पे भी देनी होगी, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे हम लोग करते हैं एन कोमा फाइव। ठीक है यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे भी टेन कोमा फाइव कर लेते हैं। ठीक है ओके और फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हम लोग करते हैं इधर भी 10 5 तक कर देते हैं, क्या आएगा देख लेते हैं। ठीक है और यहाँ पे भी हम लोग 10 और 5 कर लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है ओके सेव करते हैं, अब देखते हैं जरा हमारे पास आंसर्स क्या आएंगे। ठीक है और यहाँ पे मुझे बी आर बी लगाना चाहिए ताकि डिफरेंट आंसर देने चाहिए इसको मुझे, यहाँ पे नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी और पेस्ट पेस्ट
इसको हम सेव करते हैं जरा। तो अब देखें सम इज 15, बिल्कुल ठीक है। 10 + 5 क्या होता है 15, 10 - 5 क्या होता है 5, ठीक है। 10 5 = 50 और 5 2 = 10, 2 आपका डिवीजन आ गया सिंपल। आई होपफुली आपको समझ आ गई होगी, है ना। तो टोटली ये काम है, ठीक है। आपको मैंने मेथड्स भी बता दी है, मैंने आपको कंस्ट्रक्टर का भी बता दिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का भी बता दिया है, और बाकी जो भी छोटी मोटी चीजें जो सारी इसके अंदर सिंपल है, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ से ये भी होता है ना कि आप डायरेक्ट यहाँ पे बुक भी पास कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि हम कोई मेथड बनाते हैं, जैसे कोई भी कहते हैं मैं क्या कहूँ, हाँ सेव पर्सन इन्फो, ठीक है ये। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे के पूरे पर्सन को यहाँ पे इस मेथड में यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, अगर आप गौर से देखें तो आपने क्या करना, सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है, p1 dot, और यहाँ पे फंक्शन मैंने बना लिया, फंक्शन किस नाम से है, सेव पर्सन के नाम से, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मैं ये फंक्शन बनाऊंगा, यहाँ पे मैं कोई ना कोई चीज लूंगा, मैं जैसे कहता हूँ पर्सन, ये ले लेता हूँ, ठीक है। पर्सन क्या चीज है, जब पर्सन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इन्फो में से इसकी पूरी की पूरी जो p1 है मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा यहाँ पे पास करूंगा, सिंपल, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जब इसको ये मिलेगी तो यहाँ पे हम अगर ट्राई करें, मैं यहाँ पे वो आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉर पर्सन इन्फो, ठीक है, और यहाँ पे गाते हैं कॉमा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा पर्सन पास कर देता हूँ, देखते हैं हम हमारे पास क्या इशू होता है ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या पूरी का पूरा वो ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है। हम इसको अगर मैं कुछ तरह करते हैं ना, कंसोल पे हम ट्राई करते हैं, कंसोल डॉट, ताकि अगर कोई इशू भी होता है तो बाकी जो चीजें हमारी इस पे इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ सेव, और F12 से हम लोग ट्राई करते हैं क्या इशू आता है मेरे पास। हाँ ये देखें पर्सन इन्फो इज, यही क्लिक किया, ये देखें एज आईडी नेम, ठीक है। तो अब ये आई किसकी डिटेल है, अगर आप गौर से देखें किसकी डिटेल, एक बंदे की डिटेल आई, क्यों, मैंने क्या किया, अब ये थोड़ी सी मैंने मैंने पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट इसको पास कर दिया, मैंने बोला मैंने क्या यार ये फंक्शन है एक, इस फंक्शन में ये जो p1 है इसका पूरे का पूरा डाटा पास कर, मैं p2 को यार डायरेक्ट पास कर दूँ, ठीक है जी। अब गौर से देखिए p1 dot save person p2, ठीक है, थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन हो आप लोगों के लिए, बट ये है कि बड़ी मजे की चीज है, डायरेक्ट पूरे का पूरा तीनों की तीनों चीजें, लाइक तीनों की मीन्स के ये तीनों की तीनों चीजें उठा के इस p2 में डाले, और p2 क्या करेगा इस फंक्शन में भेजेगा, इस पर्सन को तीनों चीजें मिल जाएंगी और तीनों चीजें छोड़ जाएंगे। मैं देखना यहाँ पे सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करूंगा, अब यहाँ वहां हमाद की जगह अली आ जाएगा, ये देखें अली आ गया, इस पे क्लिक किया, देखें एज आईडी अली, ओके हो गया, समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। मैंने आपको प्रिंट करवा के भी दिखाया सारा कुछ कंसोल पे भी, बाकी तो यही बेसिकली हमारी प्रॉपर क्लास है। बाकी देखें अगर आप लोगों ने इस क्लास को जो है आप लोगों ने बहुत डिटेल से इसको पढ़ना है तो ये आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कभी भी कोई क्लास इतना ज्यादा आपको डीप करके कोई भी वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब, कोई भी आपको ये नहीं करवाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर फंक्शनल कंपोनेंट आजकल मींस के अभी फंक्शनल ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये क्लास वाला है, वो दूसरा जो हमने इससे पहले चीजें की फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये रिएक्ट में आपको देखने को मिलेगा, हम इंशाल्लाह क्लास कंपोनेंट रिएक्ट में भी देखेंगे, रिएक्ट जेएस में, ठीक है। तो बाकी अगर आपको डिटेल से देखेंगे आप किस तरह करेंगे, जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के होंगे मेरे पास, तो आई थिंक मेरे लेक्चर्स भी हैं, वो अभी उस पर मैं बना रहा हूँ, वो आप लोग बेशक वो देख लीजिएगा मेरे लेक्चर्स, ठीक है। अगर वो नहीं समझ आते आप यूट्यूब पे प्रॉपर वहां पे लिखें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो प्रॉपर ट्यूटोरियल्स आएंगे उस पे समझेंगे पूरी स्टार्ट से लेके ऑब्जेक्ट एंड तक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सब काम यही है, सब काम यही है, ए टू जेड काम यही है। बंदे वहां पे जो समझ आ गई वो तो बहुत डिटेल से वहां पे, तो आपको ये हलवा है, ये तो बहुत हलवा है ना, ठीक है। तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था वो हमने कंप्लीट कर लिया, ये कुछ छोटी मोटी सी चीजें थी हम लोगों ने देखी हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्टार्ट से बता दूं, एक दफा आपको रिव्यू करवा दूं, सबसे पहले हमने क्या एक क्लास में क्लास कैसे बनाते हैं, इस तरह सिंपल क्लास बना ली, फिर सेकंड हमने काम देखा था कि अच्छा क्लास बना के उसको हमने ऑब्जेक्ट कैसे बनाना, ऑब्जेक्ट ये बनता है, ठीक है।
ओके okay, फिर हमने क्या किया, हमने बात की थी कि ये जो ऑब्जेक्ट का नाम होता है इससे हम क्या करते हैं, इन मेथड्स को कॉल करते हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट हमेशा कॉल होता है। ओके okay, फिर हमने देखा कि हमारे पास दो तरह के कंस्ट्रक्टर टाइप होते हैं, एक होता है हमारे पास वो जो विदाउट पैरामीटर्स होता है, एक वो होता है जो पैरामीटर वाला होता है, दो ठीक है, जिसको हम पैरामीटराइज बोलते हैं, और एक होता है पैरामीटराइज सिंपल वर्डिंग में ठीक है। अच्छा उसके बाद ये डिस्क का कीवर्ड हम लोगों ने यूज किया था, इससे क्या होता है कि ताकि इसमें और जो इसमें वैल्यू सेव हो रही है इसमें वो कंफ्यूजन ना हो ठीक है, सिंपल। इसके लिए आप दूसरा वो भी एक नया वेरिएबल बना के इसमें भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं ठीक है, वो भी आपके लिए है। अच्छा उसके बाद फिर हमने ये कुछ फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शन बना के देखे थे, हमने विदाउट पैरामीटर भी फंक्शन देखा था और पैरामीटराइज फंक्शन भी देखे हैं, इसमें देखें दो वैल्यूज पास करके हम यहाँ पे वैल्यूज लेके आ रहे हैं। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे सबसे जो मेरी ये चीज देखी ये है कि हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर, हमने पहले क्या देखा कि वैल्यू पास कर, यहाँ पे हम पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट पास करते हैं और ऑब्जेक्ट पास करने पे हम उसको प्रिंट भी करवा रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं कहाँ पे, कंसोल पे ठीक है। तो ये हमने सब कुछ देखा था, आप लोग भी इस पे इम्प्लीमेंट करें ठीक है, और डिफरेंट चीजें अप्लाई करें। आप लोगों का टास्क मैं यही बताऊंगा कि आप लोग क्या करें कि इस तरह करें कि बुक लें, बुक की क्लास बनाएं के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स रखें, लाइक यहाँ पे ना जैसे यहाँ पे मैंने कितनी आईडी नेम एज है ना स्टूडेंट्स की, तो आप लोग क्या करेंगे, बुक होगी, बुक की आईडी होती है, बुक का टाइटल होता है, बुक ऑथर होता है, बुक पब्लिशर ठीक है, और बुक की प्राइस, ये कुछ चार पांच चीजें होंगी। आपने क्या करना, इसी तरह बिल्कुल सारा काम करना है जिसका कीवर्ड यूज करके। फिर आपने क्या करना है कि उसको इसी तरह ऑब्जेक्ट के थ्रू कंसोल पे भी दिखाना है ठीक है, और बुक्स आपने ऑब्जेक्ट एक नहीं बनाना, आपने क्या करना है 10 किताबें या 15 किताबें आपने लेनी है, डिफरेंट उनके डिफरेंट नाम सेट कर लेना ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, बेशक हार्ड कोडेड, आप बेशक लूप लगाए ना लगाए, बट लूप लगा ले ज्यादा बेस्ट है ठीक है। और फिर आपने क्या करना, 10 की 10 बुक्स को ना आपने यहाँ पे शो करवा देना, बात कर ओके हो गया। तो ये आप लोगों का आज का था, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 9 में ठीक है, जो हमारा इंशाल्लाह आई होपफुली लास्ट लेक्चर है वो ठीक है, जावास्क्रिप्ट का। तो फिर भी बाकी आप लोग बताइएगा अगर कोई भी ऐसा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर जो हमारा रह गया हो ठीक है, उसको भी हम ताकि कवर कर सकें। ओके मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, जीजा।